हेलो फ्रेंड, न्यू वीडियो पे आपका स्वागत है। सो गाइस, पिछला वीडियो पे हमने दिखाया है कि IDBI बैंक में हम अपना यूट्यूब चैनल के लिए खाता खुलवाए हैं और साथ ही साथ में हम ATM भी मंगवा लिए हैं। आप देख सकते हैं ये ATM है और ATM नया ATM है, तो ATM में इसको पिन जनरेट करना है। पिन को क्रिएट कैसे करते हैं, इस वीडियो पे हम फुल प्रोसेस दिखाने वाले हैं कि ATM पिन कैसे जनरेट किया जाता है और ATM को यूज कैसे किया जाता है, ATM यूज करने का सिक्योरिटी क्या क्या है, सारा डिटेल इस वीडियो पे हम आपको दिखाने वाले हैं। ATM पिन जनरेट करने के लिए ATM पे आपको लेकर के जाना होगा अपना पासबुक, साथ साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ATM लेकर के जाना होगा। ये तीन चीज आपको जरूरी पड़ेगा। सबसे पहले आपको ATM, जो नया ATM आपका आया हुआ है पोस्ट ऑफिस की तरफ से। दूसरा, आपको अकाउंट नंबर, खाता नंबर आपको चाहिए। तीसरा, आपको जो मोबाइल नंबर लिंक है अकाउंट से वो भी चाहिए, क्योंकि उसमें OTP आता है। तो ये सारा आपको ATM पे लेकर के जाना होगा, तभी आप ATM पिन को जनरेट कर पाएंगे। तो चलिए गाइस, अभी हम लेकर के चलते हैं ATM मशीन के सामने और वहाँ पे जनरेट करके दिखाने वाले हैं कि कैसे ATM पिन को जनरेट करते हैं। यही ATM है, ATM पिन अभी हम क्रिएट करके आपको दिखाने वाले हैं। सो गाइस, आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहें। फिलहाल तो गाइस, आप देख सकते हैं ATM के सामने अभी हम पहुंच गए हैं और चल रहे हैं ATM पे, और अभी पिन जनरेट करके अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पे कोई है क्या? कोई नहीं है। पासबुक भी लेकर के आ गए हैं और ATM भी लेकर के आ गए हैं, हमारे हाथ पे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं नंबर दिया गया है और अभी हम इस पर ATM अपना डालने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं चिप लगा है। अब चिप के साइड पर ही इंसर्ट आपको करना होगा। तो अभी देख सकते हैं इस प्रकार से अभी हम चिप को इंसर्ट कर रहे हैं, ATM को डाल दिए हैं। प्लीज डू नॉट योर रिमूव कार्ड। देख सकते हैं आपको यहाँ पे प्लीज सेलेक्ट योर लैंग्वेज, आपको इंग्लिश हिंदी दे रहा है। आपको इसमें टच करना होगा या नहीं तो यहाँ पे आपका बटन को दबाना होगा। अब यहाँ पे एंटर योर ATM पिन। ATM पिन नहीं है हमारे पास, हमको जनरेट करना है। जनरेट करने के लिए यहाँ पे जनरेट ATM पिन, यहाँ पे आपको इस प्रकार से दबाना होगा। आपको यहाँ पे जनरेट OTP पे नहीं करना होगा, वैलिडेट OTP पे करना होगा। तो यहाँ पे दो नंबर, इसके बाद IDBI बैंक की ओर से एक आपके मोबाइल रजिस्टर मोबाइल नंबर पे OTP गया होगा 6 डिजिट का, और साथ ही साथ रिक्वेस्ट ID गया होगा। सबसे पहले 6 डिजिट का नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे मोबाइल से देख के। इसके बाद इस प्रकार से डालने के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं रिक्वेस्ट ID भी टाइप कर दिए और कन्फर्म कर दिए हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैसेज आ गया, योर OTP इज वैलिडेट सक्सेसफुल, प्रेस कंटिन्यू टू जनरेट न्यू पिन। नया पिन यहाँ पे बनाने के लिए ऑप्शन दे दिया है, वह कंटिन्यू में क्लिक करते हैं। इससे करते हैं प्लीज़ इंटर योर न्यू पिन। आपको जो पिन पसंद है यहाँ पे आपको 4 डिजिट का नंबर पिन आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पे हम बना रहे हैं, देख सकते हैं अपना पिन। बनाने के बाद री इंटर पिन ऑप्शन फिर से आ गया, यहाँ पर फिर से हम 4 डिजिट का नंबर टाइप कर देते हैं और यहाँ पर आगे ऑटोमेटिक बढ़ गया है। तो देख सकते हैं इस प्रकार से आप भी नया अपने ATM कार्ड का पिन क्रिएट कर पाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं योर पिन इज हैड बीन चेंज सक्सेस हो गया है, और यहाँ पे हमारा पूरी तरह से नया पिन क्रिएट हो गया है। बहुत ही अच्छे तरीके से हम अभी आपको ATM पिन जनरेट करना बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर से लाइक कर लें। अगर हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि जब भी इस प्रकार से वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा। गाइस, वीडियो को हम यही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।